एक टीवी चैनल भी है भारत टीवी समांतर भारत टीवी चैनल भी है और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि समूचे आंध्र और तेलंगाना में जो बाबा साहब का साहित्य है जो बहुजन साहित्य है जो हमारे महापुरुष हुए हैं जो हमारे विचारधारा के लोग हुए हैं उन सब का साहित्य जो है उसको प्रकाशित करना और उसको लोगों तक जन जन तक पहुंचाने का काम कई सालों से वरुण जी कर रहे हैं और एक बहुत ही चर्चित और जाना पहचाना नाम है पूरा अपना समय अपना जो कमिटमेंट है पूरा मिशन के लिए उन्होंने दिया है तो वरुण जी से बातचीत शुरू करते हैं वरुण जी आ, आपको किस तरह से लगा कि आप मूवमेंट में आना चाहिए और आपने जो हमारे बहुजन महापुरुष हैं जो हमारे विचारधारा के नायक हैं उनका ये साहित्य का प्रचार प्रसार करना चाहिए पहले तो आपका धन्यवाद है आपसे आपसे परिचय हैदराबाद में हुआ था और जब से आपका चैनल भी देखता हूँ आपके साथ मिलके दो तीन बार नागपुर में yes. मिले थे हाँ. अच्छा मुझे मोमेंट में आने का पहला मौका मुझे आ, 1978 में आया हाँ, हाँ. 1978 में जब बेल्ची का कांड हुआ था हाँ, और वैसे हमारे हाँ. पास इधर भी थोड़े अट्रोसिटीज हुए थे हाँ. तो जब हम लोग प्रोटेस्ट वगैरह यहाँ निकाले थे हाँ. मेरा मकान अभी ये असेंबली के पीछे है अच्छा नामपल स्टेशन हैदराबाद स्टेशन रेलवे उसी के पीछे है, बहुत बड़ा कॉलोनी है अपने समाज के लोग ज्यादा रहते तो वहाँ एक मीटिंग्स वगैरह रेगुलर हो रहे थे तो जब मैं एस में था तो जब वहाँ एक मोमेंट चल रहा था 78 में जब हम लोग पहली बार ऑल इंडिया का जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें मुझे परचे हुए अपने समाज के लोग जो बाबा साहब के मिशन में काम करते हैं है है है। तो उनके उनसे सुनने में है है। और उन, उनके साथ मिलके काम करने में वैसे जब से मैं इसी मूवमेंट में आ गया हूँ फिर उसके बाद समता सैनिक दल उससे भी परिचय हुआ था जब नया नया दल का जो आ, फिर से पुनर्गठन होने के बाद हैदराबाद में उनके अधिवेशन वगैरह हुए थे एल आर बाली जी आ, और भगवान दास आ, अ, अपने नगरारे आ, और हरीश चांदे ये नागपुर वाले ये पूरे आते थे भाई भाई उठाना रेगुलर आता था अच्छा पहली okay. <laughs> बार में में मैं भी हाँ। मैं 82 ओह oh, जब सिल्वर हाँ, सिल्वर हुआ था जो है तो ऐसे लोगों से मिलके और, हाँ, देखा देखा हाँ। आ, और एलुम, एलुम हाँ, ये लॉन्ग मार्च करे थे जब भी जोगेंद्र खवाड़े जी उनका बहुत बड़ा मीटिंग भी हुआ था उधर तो वैसा मुझे नेशनल लेवल पे बाबा साहब का मूवमेंट का परिचय हुआ फिर उसके बाद मुझे लगा कि ये मिशन में ही काम करना चाहिए जब आ, उसके बाद अंबेडकर योजना संगम का इधर गठन हुआ उसके साथ काम करते करते और 89 में जब इधर मनोहर कांशी राम जी पार्टी आ, 88 में आए थे पहली बार फिर इसके बाद 89 में पार्टी का गठन हुआ जब भी मैं प्रिंटिंग प्रेस में था इनाडु में काम कर रहा था अच्छा में थे था। में कर रहा था जब मीडिया में थोड़ा सा परिचय था मुझे तो अपना खुद का प्रिंटिंग प्रेस लगाया के सामने <laughs> ग्रेट, ग्रेट, तो right. वहाँ एक तीन चार साल लगा तो वैसा इंस्पिरेशन मिला था उनसे भी रामोजी राव से भी मिला था उनसे तो वहाँ करते करते कांशी जी का जब परिचय हुआ इधर हैदराबाद में हाँ। तो 88 में फिर 89 में इधर पार्टी जून फोर में पार्टी लॉन्च हुआ इधर हाँ, हाँ। पार्टी का काम पूरा मई खरा ओ, जब ट्वेंटी हाँ। फाइव मेंबर्स का हाँ। एक बॉडी बनाए हाँ, हाँ। थे हाँ। हाँ। रिसेप्शन कमेटी हाँ। हाँ। उसमें मैं भी था बुजा हाँ। तारकम जी थे सुंदर यादव थे बीएसएस एस स्वामी और नल्ला सूर्यप्रकाश ये पूरे लोग थे उनके साथ मैं भी था तो वैसा मैं पहला जो आ, मीटिंग हुआ था छ जून को उसका पूरा काम मैं किया अच्छा ए, प्रिंटिंग का हाँ। प्रिंटिंग में था मैं हाँ। तो उसका काम हाँ। फिर उसके बाद इलेक्शन में हाँ। आ, मैं कंटेस्ट किया इधर अच्छा किया इलेक्शन बीएसपी से तो कंटेस्ट करते समय में कुछ मटेरियल नहीं था जब परिवर्तनशील मोर्चा लगाए थे काशी जी तो सुब्रमण्यम स्वामी से गठबंधन था तो हमारे को फ्री में ऑर्डर लिस्ट मिला सिर्फ एक फिर उसके बाद कुछ भी नहीं था लेकिन मैं उनको सब मेटेरियल वगैरह बना के अपने जितने भी साथी ठहरे थे हम प्रचार के लिए ठहरे थे जब वो वैसा पूरा मोमेंट में आ गया फिर इसके बाद 94 इलेक्शंस तक मैक्सिमम बीएसपी में काम, काम किए हाँ। फिर उसके बाद थोड़ा सा बदलाव आया था हाँ। फिर उसके बाद मैं आ, जिधर गैप है उधर से काम करेंगे अभी तो एमएलए बनने वाले ज्यादा आ गए थे हाँ, हाँ। तो बने भी नहीं लेकिन चले भी जा रहे, भी भी जा रहे थे, जा तो उसका काम तो अच्छा काम नहीं हो रहा था ठीक है भाई जब से बाबा साहब का काम तो चालू करेंगे बल्कि जब पब्लिकेशंस में आ गए हाँ पार्ट था आपके लाइफ का पब्लिकेशंस में आना क्योंकि आप में जब पब्लिकेशंस में उसके बाद में वैचारिक क्रांति शुरू हुई तो किस तरह से स्टार्ट हुई हां अच्छा जब 2000 में हाँ, मिलियन मिलियन ईयर था ना हाँ, मिलियन उस टाइम में आ, ये प्रचार करने के लिए हम लोग थोड़ा ये बहुजन नायक हाँ, जितने हाँ, भी हैं हाँ, उनका पूरे आ, थोड़े चित्र बना के अच्छा हाँ, ज्यादा प्रचार किए थे फिर उसके बाद एक हैदराबाद में जैसा के वर्शिपिंग फॉल्स गार्ड हाँ, शौरी ने लिखा था लिखा हाँ। था वैसी आंध्रा में एक कम्युनिस्ट लेडी है रंगनायक अम्मा उन्होंने बाबा साहेब के ऊपर एक किताब लिखी उन्होंने बुद्ध उड़ दलित समस्या को बुद्ध उड़चाराड़ू अंबेडकर चाराड़ मार्क्स खावा दलित समस्या हल के लिए बुद्धा और अंबेडकर दोनों बस रहे होते हाँ, और मार्क्स भी चाहिए अच्छा किताब का नाम तो है लेकिन अंदर जो है पूरा बाबा साहेब के ऊपर पॉइजन उजाले थे वो किताब हम लोग उनको एक रिजॉइंडर लिखे अच्छा हाँ। लिख वो पब्लिश किए तो कोई भी किताब दुकान में है, नहीं लगा रहे नहीं। जो भी कम्युनिस्ट वाले थे हाँ, प्रजा शक्ति है हाँ, अंदर है और कोई भी ये किताब को लगाने के लिए इनकार कर रहे थे अच्छा जब हम प्रोटेस्ट किए फिर उसके बाद एक किताब को बड़े पैमाने पे, पे प्रचार वगैरह करके उनको जवाब दिए फिर जब हमारा देखने के बाद जब सीपीएम वाले वगैरह एक किताब को रखेंगे अपने पास बुला जब, जब मैं सोचा ये ये किताब के लिए ये लोग इतना बाबा हाँ। साहब का मोमेंट को हाँ। तो दूसरा अगर मोमेंट के और किताब आए कांशी हाँ। तो राम के वगैरह हाँ। ये लोग नहीं लगा सकते लोग। हाँ। तो अपना खुद का होना चाहिए, चाहिए क्योंकि उनका गलती तो नहीं है नहीं हाँ। हाँ, अपना खुद का होना बल्कि जब समांतरा स्टार्ट किया टू थाउजेंड टू में स्टार्ट किए टू थाउजेंड टू अभी बीस साल कंप्लीट हो गया आ, यस, बहुत बड़ा बीस साल से अभी आई इधर इसी जगह से आप हाँ। जब स्टार्ट किए हाँ। स्टार्ट करने के बाद धीरे धीरे बाबा साहेब का लिटरेचर उसके बाद बहुजन लिटरेचर और ऐसे प्रिंट करते लोगों को एक सेंटर हो गया सेंटर बन गया यस जो जो भी दोनों रास्ते से जो भी आएंगे हैदराबाद आते हैं वैसे ऑल इंडिया से भी बहुत लोग हैदराबाद आए तो सामान्तरा जाइए उधर अपना एक सेंटर है बोल के भी जाते उनको तो ऐसा एक सेंटर बन गया और जब से आज तक हम लोग आ, भोजन लिटरेचर को कम से कम हंड्रेड हंड्रेड से ज्यादा पब्लिश पुर्ण हुए और अभी फूले अंबेडकर कांशीराम का कंप्लीट लिटरेचर हम तेलुगु में लाना चाह रहे हैं अच्छा ग्रेट अभी बाबा का जब नोने निकले तो उनका 17 वॉल्यूम्स है हां 20 किताब हाँ, उसको 40 किताब में हम लोग तेलुगु में हाँ, कर रहे हैं अच्छा फिर इस बाद मराठी में पांच छ पांच खंड हाँ, है हाँ, उसको भी हम तेलुगु में हाँ, ला हाँ, रहे हैं फिर ये कांस्टिटेंट असेंबली डिबेट्स है उसको भी ला रहे हैं हाँ, वैसे ही खैर खैरमोडे के हाँ, चंग 12 वॉल्यूम्स है उसको भी हम प्रयास कर रहे हैं और बीसी कामले का जो है वो पूरा 32000 पेजेस uh, निकले hmm. अगर उसको हम तीन सौ हम प्रिंट करें तो hmm. सौ से ज्यादा हो जाते <laughs> तो उसको हम वो काम में लग गए ah. तो का प्रोजेक्ट है ah. अभी काम चल रहा है अभी ओके तो अभी थर्टीन बुक्स अभी प्रिंट हो गए प्रिंट हो गए वाह okay. बहुत अच्छी उपलब्धि है कि बाबा साहब के जितने भी वॉल्यूम्स है उस वॉल्यूम्स को तेलुगु में लाने का कॉन्फ्रेंस में डिबेट्स हो या खोरमांडे साहब द्वारा लिखित ग्रंथ हो जितने भी ग्रंथ हैं उनको तेलुगु में ट्रांसलेट करके तेलुगु लोगों तक पहुंचाने का एक बहुत ही अच्छा कार्य आ, सर कर रहे हैं सर तो ये कितना रिस्पांस आता है आपको लोगों से बाबा साहब का साहित्य वितरित करने में और ये लिटरेचर आप किस तरह से उनके लोगों तक पहुँचाते हैं कितना लोग रिस्पॉन्स देते हैं अच्छा रिस्पॉन्स तो कार्यकर्ता से ज्यादा है लीडर ज्यादा कम कम पढ़ते लोग हैं हैं कार्यकर्ता ज़्यादा ज्यादा ज्यादा उनका ही है लेकिन इंफॉर्मेशन बहुत कम रहता पास। पास है हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है बीस साल का बीस साल में कौन खरीद रहा कौन क्या खरीद <laughs> रहे कितने कितने परचेस कर रहे लोग उनका पूरा रिकॉर्ड है हमारे पास तो कार्यकर्ता लोग ज्यादा पढ़ते है और उनके ऊपर जितना जिम्मेदारी है ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वगैरह उनके साथ उतना मैंने देखा हूँ hmm. तो वैसा उ, 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 उनका ही ज्यादा और तेल, आंध्रा और तेलंगाना में जाता है आपका बिल्कुल आंध्रा तेलंगाना में जाता हाँ. और इंग्लिश वॉल्यूम्स से वहां से मंगाते हम लोग हाँ। समय प्रकाशन से और दिल्ली से हाँ. दिल्ली पब्लिकेशन से गवर्नमेंट पब्लिकेशन से ना हाँ. पब्लिकेशन डिविजन से वगैरह वॉल्यूम्स यहाँ से केरल भी, भी जाते हैं अच्छा, कर्नाटक में बैंगलोर लाने के बाद अच्छा, तो कन्नड़ा अच्छा। वहाँ भी अपने साथी हाँ हाँ। तो जितने भी बहुजन महापुरुष के हाँ। अभी पिक्टोरियल लाइफ हिस्ट्री ला रहे जैसे सम्यक प्रकाश से हमारा सहयोग है उनके अभी तक बारह लाए हम लोग रेडी है उसको अभी कन्नड़ में सिर्फ ट्रांसलेशन करे तो बस बार्थ है बार्थ। वो उधर प्रयास कर रहे वो लोग क्या बदलाव देखते हैं आप इस साहित्य के कारण समाज में आ, ये बाबा साहब का जब मोमेंट अगर हम ए, बहुत नज़दीक से अगर उनको जाने तो बगैर साहित्य का हमारा समाज को निर्माण नहीं कर का बाबा साहब अगर ये साहित्य अगर प्रिंटिंग उन्होंने इंग्लिश में अगर नहीं लिखते, अभी मराठी का ही इंग्लिश नहीं हुआ, हाँ नहीं हुआ, नहीं हुआ अभी तक, काफ़ी पेंडिंग है, पेंडिंग है, तो उन्हों अगर इंटरनेशनल लैंग्वेज में या नहीं लिखते, तो हमारा समाज और भी बहुत पिछड़ा रहता था, और इतना आ, जागृति नहीं आती थी, थी। right. तो जब तक हम बाबा साहब का ये लिटरेचर अभी नहीं पढ़े uh. तो नया लिटरेचर का पैदा yeah. yes. ये, ये uh, uh. तो लिटरेचर को फैलाने uh. uh, के लिए संपूर्ण फूले जी का तेलुगु uh, में ला रहे right. तो उसके बाद कांशी जी का बाराकंडा है हिंदी में आ गया पूरे अकेला वाले पहले तो नागपुर से काम हुआ था फिर उसके बाद वो लोग काम लोग शुरू किया उसको भी हम लोग पूरा ये तीनों का बाबा साहब अम्बेडकर फूले और कांशी राम जी का ये पूरा हम तेलुगु में लाना चाह रहे तो इसका काम तो चालू है और साहित्य के बिना हमारा मूवमेंट का अधूरा काम रह जाता साहित्य के बिना हमारा मूवमेंट अधूरा है बिल्कुल सही बात है तो ये साहित्य के साथ साथ अभी आपने ये टीवी चैनल की तरफ भी अपना रुख किया है हाँ। तो ये कैसे सोचा आपने अच्छा इसका एक बदलाव है हमारा हाँ। एक समांतर मैगजीन चलता है हाँ, ये मैगजीन से हम बहुजन समाज का पूरा भारत के जितने भी सौ महान महापुरुषों का हम परिचय किया इदर, ओ, okay, में पूरा ऑल इंडिया से हाँ, जितने भी अचुतानी हरिचरण गुरुचरण टागुर, हाँ, टागुर, हाँ, बूरीचरें टागुर, बूरीचरें टागुर हाँ, और और शुद्रा मूवमेंट ऐसा पूरा आदि धर्मी मूवमेंट वगैरह ऐसा सबको हम लोग इधर इंट्रोड्यूस किया उसके बाद ही इधर पूरा ऑल इंडिया मूवमेंट का एक परिचय आ गया था एक दस साल वो चलाने के बाद फिर लोगों में अभी whatsapp यूनिवर्सिटी आ गया आने के बाद पढ़ने वाले में भी थोड़ा बदलाव आ गया हम इसमें देख लेंगे अब सिर्फ एक छोटा सा देखेंगे छोटा क्लिप देखेंगे बदलाव आ गया और पढ़ने वाले में भी हो गया अभी मैगजीन जो है प्रिंट करे तो अब उसका आउटडेट

आपके स्टेट में या आंध्रा में किस तरह से काम हो रहा है ये पर्टिकुलरली ते तेलंगाना में बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा हाँ। और ग्रास रूट तक चले गए हाँ हाँ। पहले तो पहला मोमेंट जो बिफोर इंडिपेंडेंट का मूवमेंट बहुत बड़ा था हाँ। वो गोल्डन पीरियड था वो आ, वो पीरियड हाँ। में इधर हैदराबाद में बहुत बड़े नायक थे हाँ। जो बाबा साहेब के उनके साथ में, उनके साथ में काम काम जो काम हाँ, करे बी श्याम सुंदर है हाँ। और बी एस वेंकट राव हाँ। और पी आर वेंकट स्वामी हाँ। और इनसे बाबा साहेब के दो साल बड़े हैंड्डी वर्मा उनका चल रहा था वो, वो बाबा साहब को सपोर्ट किए थे अच्छा। लखनऊ में एक मीटिंग हुआ था जब बाबा साहब गोलमेज कॉन्फ्रेंस गए थे जब वहां से अच्छुन जी मीटिंग लगाए थे यहाँ से बाग्य वर्मा गए वहाँ एक पॉलिटिकल रेजोल्यूशन करे इनो अध्यक्षता में करे बागरेडी वर्मा यहाँ से सपोर्ट किए बाबा साहब को ये पूरा ऑल इंडिया से जितने भी आए ये सब बाबा साहब को सपोर्ट करते हुए हमारे लीडर है बल्कि गांधी क्लेम कर रहे थे कि हाँ, हम लोग लीडर, 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 लीडर है तो वैसा हैदराबाद से बहुत बड़ा मूवमेंट था फिर उसके बाद वो हैदराबाद आए आने के बाद सिकंदराबाद हैदराबाद कंटोनमेंट एरिया था वहाँ भी एक का एक बिल्डिंग है इधर जैसा दिल्ली में है में हैदराबाद में उनका था अभी राष्ट्रपति भवन बन गया वो तो वहां भी एक मीटिंग लिए उन्होंने यहाँ से भी रेजोल्यूशन पास करके भेजे तो वैसा बाबा साहब का मोवमेंट से यहाँ इधर के लोगों से बहुत संपर्क है नहीं। नहीं। बाबा साहब बहुत बार आए है, हैदराबाद अभी भी, भी यादें हैं उनके अच्छा तो आवर स्ट्रगल फॉर हिमैन के वॉल्यूम वन वॉल्यूम टू है ये उसके अंदर जब के लीडर्स बाबा साहब के साथ कैसा काम करें उनका पूरा उसके अंदर लिखा हुआ है हिस्ट्री है फिर उसके बाद मोमेंट जो है इम्प्लायज के ऊपर आ गया ये इम्प्लॉयज थोड़े वेलफेयर एसोसिएशन है ये लोग मद्रास से उधर इधर से हैदराबाद आने के बाद एक बाबा साहब का देने के वजह से उनको नौकरी वगैरह मिला, मिला हाँ। ये लोग कुछ देना हमारे समाज के लिए कुछ करना बल्कि ऑल अंबेडकर अम्बेडकर योजना संगम का भी गठन किए थे जब नाइनटीन में भी बाबा साहब के नाम से गठन हुआ था अंबेडकर यूथ लीग बल्कि यहाँ से बीएस एस वेंकट राव बी आर वेंकट स्वामी पूना गए थे यहाँ से एक टीम लेकर गए थे स्पोर्ट्स वगैरह तो वैसा जब से बाबा के साथ था फिर उसके बाद मोमेंट में जब उस इमरजेंसी के बाद इधर मूवमेंट स्टार्ट हुआ अच्छा एट हाँ हाँ से बहुत हाँ हाँ। बड़ा मोमेंट खड़ा हुआ हाँ। फिर उसके बाद आ, हर जिले में हर कोने में हाँ। जिधर भी हाँ। हाँ। जब ये एम्प्लाइज ऑर्गेनाइजेशन वाले और अम्बेडकर योजना संगम के साथ साथ हाँ। मिलकर लोगों का आ, ये मूवमेंट में शामिल हुए तो उसमें ज़्यादा तक अब इंडिया में हाँ। सबसे ज्यादा बाबा साहब के स्टैचूस इधर ही मिलेंगे आप हाँ तेलंगाना में तेलंगाना में आंध्रा में मिलेंगे आंध्रा में मिलेंगे इंडिया में इंडिया में सबसे इवन महाराष्ट्र में भी नहीं है किधर भी नहीं है हाँ, तो इधर गली गली में मिलेंगे अच्छा तो इसका श्रेय जो है हाँ, ये एम्प्लॉयज को जाता है एम्प्लॉयज जो मूवमेंट है वो लोग आज को भी नेशनल कमीशन कभी आता नेशनल एस कमीशन जो भी आते हैं वो लोग बोलते हैं इधर आपके पास जितने रिप्रेजेंटेशन आते हैं इंडिया में <laughs> पूरा नहीं आते, नहीं आते।, <laughs> आते। तो बहुत जागृति है आ, वैसा आ एक मोमेंट था हाँ। उसी इधर का मोमेंट थोड़ा अच्छा सा हाँ। चला हाँ। तो अभी थोड़ा धीमे है हाँ। लेकिन वो लोग बहुत आगे बढ़ाए थे फिर उसके बाद कारिशीराम का मोमेंट आया 8889 में उसके बाद परिवर्तन आया पॉलिटिकली जागृति आई आ, लेकिन इधर जैसा कानषीराम जी ने उधर चलाए थे आ, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप उधर डेवलप हुआ यहाँ वैसा नहीं हुआ था एकदम से पार्टी आ गई जितना काम होना था उतना नहीं हुआ तो होने का हुआ सो काम भी उसका एक सिस्टमेटिक जो है एस्टेब्लिशमेंट नहीं हुआ नहीं, आ, तो, आ, का, भी, नहीं।, एक नहीं हुआ एक एम एल आए थे एमएलए आए थे तो ये याद बाबा साहब की हैदराबाद से यह भी है कि जब बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा दुनिया के एक महानतम व्यक्ति में से एक थे सिक्स लार्जेस्ट ब्रेन जो कहाते थे दुनिया में उनमें से एक थे लेकिन बाबा साहब का सम्मान किसी ने नहीं किया केवल उस्मान यूनिवर्सिटी जो थी हैदराबाद की उसने सम्मान किया था इसके बारे में बताइए ये तो बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन किया बाबा साहब अम्बेडकर से निज़ाम स्टेट में बहुत बड़ा उनका लगाव था हैदराबाद स्टेट बहुत बार आए हाँ। और इधर एक निजाम ए, निजाम का ए, स्टेट में हाँ। वन करोड़ का एक फंड कास्ट हाँ। ट्रस्ट फंड बोल के हाँ। एक फंड उन्होंने अपने समाज के लिए उन्होंने दिया था हाँ। जब बागी रेड्डी वर्मा छब्बीस हाँ। स्कूल खोले थे अच्छा छब्बीस स्कूल हाँ। जैसा फूले जैसी इधर बागी वर्मा करे थे उनका स्कूल्स पूरे ये निजाम लेकर उसको चलाए उन्होंने अच्छा ओके तेलुगु तेलुगु मीडियम में तो वैसा एक एजुकेशन में आया था उसके बाद एक करोड़ का एक फंड आया तो एक करोड़ फंड आने के बाद ये पूरे स्कूल चला रहे थे वो लोग अपने लोगों को आ, ये सोलह जिले थे सोलह में चार जिले महाराष्ट्र के भी थे ये यादगीर वगैरह ये पूरे इसी में थे हैदराबाद में हैदराबाद महाराष्ट्र है ना हाँ oh, yes. और कर्नाटक में भी चार जिले जिले थे हाँ. ऐसे पूरे सोलह जिले में इधर पांच थे उधर चार थे उधर से भी स्टूडेंट्स आते थे हाँ. तो बाबा साहब के साथ इधर के लोगों से बहुत संपर्क था हाँ. और बाबा साहब को निज़ाम से भी 1932 जब पूना हाँ. पूना का पूना पैट हुआ हाँ. था जब बाबा साहब को बहुत बड़ा ये धोखा दिए ये लोग धोखा हाँ। देने के बाद उन्होंने सोचा कि अभी पूरा ऑल इंडिया का मूवमेंट हाँ। करना होगा जब निजाम उनको सपोर्ट किया स्कॉलरशिप हाँ। दिए उनको हाँ। एक फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज का ए, 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 एक आ, कौन सा रेंट पे लिए शायद हाँ। हाँ। उसका चलाने के लिए और हाँ। आ, मैं फाइव फाइव फा, फा, 500 उस हाँ। तो वैसा उनको सपोर्ट दिए तो उसके बाद निजाम स्टेट में ही बाबा साहब का जो मिलिंद कॉलेज वगैरह हाँ, बना हाँ, है हाँ, में।, हाँ, में।, हाँ, में तो उसका जगह भी जो है निजाम ने दिया अच्छा ओके okay. वो जब बाबा साहब को आ, कोई यूनिवर्सिटी को आ, कॉलेज को हाँ। कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे थे उसका एक एडवर्टाइजमेंट भी देने के लिए केसरी पत्र डेली मैग आ,

आ, ऐसा उधर का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन खड़ा करना चाह रहे थे तो जब आ, मेरे पास रिकॉर्डेड है एक आ, तेल तुम्डे जी आया थे बी एस आई के हाँ। उन्होंने यहाँ इंटरव्यू दिए हाँ। तो मराठी में है वो हाँ। तो उन्होंने इंटरव्यू कहा था हाँ। बाबा साहब जितना दूर उनके पास लाठी था हाँ। जितना दूर चले हाँ। उतना आपका ज, जमीन दे देंगे जैसे चौकी चो, चो, में तो उन्होंने एक छोटा सा एक कौन सा एक नदी जैसा पानी भी बहरा था कहते उसके ऊपर से चलते चलते एक किलोमीटर चलेगा अच्छा तो वैसा छो तरफ जो है देने से चार चार सौ से ज्यादा एकड़ जमीन, जमीन को दिए हाँ। बाबा साहब ने खरीद लिए नॉमिनल नॉमिनल कॉस्ट पे हाँ। तो वैसा हैदराबाद से सम्बन्ध था बाबा साहेब को पहला इंस्टीट्यूशन वहाँ आए अभी तो यूनिवर्सिटी बन गया तो उसके बाद भी बाबा साहेब को रिकॉग्नाइज करे सवाल है भी उस्मानिया यूनिवर्सिटी हाँ यस उस्मान यूनिवर्सिटी पहला यूनिवर्सिटी है बाबा साहेब को बाहर के यूनिवर्सिटीज बाबा साहेब को किए और उनको सम्मान किए लेकिन भारत में कोई यूनिवर्सिटी आगे नहीं आया सिर्फ़ उस्मानिया यूनिवर्सिटी आ गया था नाइनटीन जनवरी बारह तारीख को बाबा साहेब को डॉक्टरेट दिया गया yes. इसका रिकॉर्डेड है और हैदराबाद उस दिन बाबा साहेब के साथ साथ सर्वेपल्ली कृष्णा वाइस प्रेसिडेंट थे उनको भी डॉक्टरेट दिए गया जब हैदराबाद बेगमपेट एयरपोर्ट पे दोनों भी आए थे दोनों भी उतरे बाबा साहेब को लेने के लिए

पैराडेस के पास जाके उधर रेस्ट किए फिर उसके बाद जाके अपना ये साइटेशन वगैरह उनको दिए तो इतना बड़ा सम्मान हुआ था हैदराबाद में तो इसका श्रेय हम लोग हैदराबाद में रहने से, <laughs> से हमको भी थोड़ा हमको भी, <laughs> भी जाता है आनंद बहुत ही ज़ोरदार मूवमेंट हैदराबाद में थी तेलंगाना में थी आंध्रा में थी आ, 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 और काफ़ी सपोर्ट भी उस मूवमेंट ने किया था आ, आ, एक याद उस ऐसे भी है कि जब बाबा साहब ने कहा था कि मैं धर्मांतर करूँगा तो काफ़ी लोग उनके पास गए कुछ क्रिश्चन मिशनरी भी गए कुछ जैन लोग भी गए लेकिन एक याद ये भी है कि निज़ाम ने भी कहा था कि आप अगर इस्लाम में आते हो तो आपको करोड़ रुपए देंगे लेकिन उन्होंने जब हमारा सात करोड़ था हमारा अच्छा पॉपुलेशन हाँ। तो मैं सात करोड़ अच्छा, तो जब का सात करोड़ अभी तेलंगाना स्टेट अगर खरीदे तो चार जिले पांच जिले का पूरा बाबा साहब खरीदते थे उतना पैसा था, पैसा था हाँ। लेकिन उन्होंने नहीं लिया, accept नहीं किया एक्सेप्ट नहीं किया लेकिन आज बाबा साहब का नाम कितना बड़ा हो गया निजाम से भी ज़्यादा तो वैसा पैसे से उनको मापदंड नहीं करे तो लेकिन आ, निजाम ने बहुत तो हमारे लिए सपोर्ट, सपोर्ट किया था तो बाबा साहब आने के बाद उनको जब आ, सरेंडर हो गए थे बाबा साहब ने किया उन, उनको हाँ, बोला हाँ, आप सरेंडर हो हाँ, 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 हुए। आ, के बाद जब सरेंडर हो थे, उनका जितना भी प्रॉपर्टीज़ वगैरह है हाँ, उसको हम हाथ नहीं लगा सकते हाँ, क्योंकि हमको मदद किए हाँ, और इसमें आने के लिए कोशिश किए हाँ, वैसा बोल के उनको भी बाबा भी हैदराबाद आए थे जब किशनराव गायकवाड़ स्टूडेंट थे उन्होंने काचीवाड़ा में एक हॉस्टल था हॉस्टल के लिए बाबा साहब आए थे जब मिनिस्टर थे लॉ ला, लॉ मिनिस्टर जब आ, ए, किशन राव गायकवाड़ जी बोले मुझे एक आर्टिकल भी लेके निज़ाम पैदल चलते जहाँ के बाबा साहब को दिल से कुछ गेस्ट हाउस में मिले कहते अच्छा तो वैसा था ये निजाम का भी और हाँ, बाबा साहब के साथ हां हां हाँ। तो हैदराबाद से बाबा साहब को बहुत बड़ा, बड़ा सपोर्ट भी, सपोर भी मिला और भी मिला। जब उन्होंने आमंत्रण 1936 में हाँ। अनाउंस किए थे हाँ। मैं हिंदू पैदा हुआ मेरे हाथ में नहीं हाँ। मैं अभी हिंदू होकर नहीं मरूंगा मारूँ मरूंगा हाँ तो जब यहाँ हैदराबाद से भी उनका मूवमेंट में जो बी एस वेंकटराव राव थे वो लोग भी इधर अनाउंस किए अच्छा ओके अनाउंस किए और बहुत बड़ा मूवमेंट के लिए साथ दिए यस यस तो हैदराबाद तेलंगाना आंध्र प्रदेश का काफ़ी बड़ा योगदान भी मूवमेंट में रहा है और बहुत अच्छी यादें जो थी बाबा साहब की वो वरुण जी ने हमारे साथ में साझा की है दर्शकों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे ये आवाज़ इंडिया टीवी बहुत बड़ा योगदान है उनका जब बाबा साहेब का मिशन को जो ले जा रहे हैं इंडिया में ये पैन इंडिया का जो अभी चल रहा है मोमेंट बाबा साहेब का उसमें अमन अमन कामले जी का बहुत बड़ा योगदान है मैं उनसे बहुत प्रेरणा लिया हूँ <laughs> हाँ आपसे भी और हम लोग भी इधर समांतर भारत टीवी का अभी स्टार्ट किए लेकिन अभी नेक्स्ट स्टेप में जाना है <laughs> इसको अभी सीरीज में जाना है पूरा इंडिया बनाना है और बुद्धिज्म का भी हम जो ये पूरे बनाना है और हम मीडिया में है हाँ। ये मीडिया को जितने भी डिनोमिनेशन है इसके अंदर वो हाँ। सब में आप अगर आ गए आपके साथ हम भी हैं बिल्कुल और हमारे ऊपर कर बहुत बड़ा जिम्मेदारी भी है हाँ। और एक डायरेक्शन अगर आप दिए तो इंडिया में ये मुमकिन है और हम हैदराबाद से आपके साथ मिलकर ये मीडिया के साथ बाबा साहब का मोमेंट को और आगे चलाने के लिए हम प्रयास करेंगे यस yes, वरुण जी बिल्कुल आप जैसा आपके आपने इतना सारा एक एम्पायर ये किया है साहित्य का निर्माण किया है आपने बिल्कुल अपने बचपन से इस आंदोलन में सहभाग लिया इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट किया कई नेताओं के साथ में आपको काम करने का मौका मिला है तो आपकी बहुत सारी अनुभव बहुत सारी यादें हैं और आपके कारण कई लोगों को इंस्पिरेशन भी मिलता है कई युवाओं को इंस्पिरेशन मिलता है और साहित्य के कारण एक समाज का निर्माण भी होता है तो आपका बहुत बड़ा योगदान इस क्षेत्र में है इस मूवमेंट के लिए है और ऐसे ही आप निरंतर आगे बढ़ते रहें आपके साहित्य के माध्यम से आपके आने वाले दिनों में जो आप चैनल के माध्यम से आगे जाना चाहते हैं तो इसके लिए हम आपको मंगलक्रमा देते हैं और आपने इतना वक्त हमें दिया और हमसे बात की उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार शुक्रिया जय भीम जय जय भीम